बांदा के हनी ट्रैप कांड में आरोपी महिला राहिला बानो का खौफ किस कदर हावी है लोगों पर, इसकी बांदगी देखनी हो तो राहिला बानो के मोहल्ले में जाकर उसके पड़ोसियों से पूछ कर देखी। कोई भी जबान खोलने को तैयार नहीं। पड़ोसी तरह तरह का बहाना बनाकर मामले में कुछ ना बोलना ही ठीक समझ रहे हैं। आखिर उन्हें खौफ किस बात का है, वो भी तब जब राहिला बानो पुलिस की कस्टडी में है और शायद उसे लंबे समय तक अपने घर लौटना नसीब ना हो, तब भी मोहल्ले का एक व्यक्ति भी उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहू के साथ मैं हूं सचिन चतुर्वेदी। बांदा के हनी ट्रैप कांड की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं और हम उस हनी ट्रैपिंग के पूरे नेक्सस को उघाड़ने पर आमादा हैं जिसे राहिला बानो ने अपने शातिराना और कातिलाना हुस्न के पर्दे में छिपा रखा था। इसी कड़ी में बुंदेलखंड न्यूज की टीम जब राहिला बानो के घर तक पहुंची तो हमने वहां रह रहे लोगों से जानने का प्रयास किया, पर ज्यादातर लोगों ने यही बताया कि वो राहिला को ज्यादा नहीं जानते थे। कैमरे के सामने तो कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग बोले भी तो उन्होंने हमारी टीम से कैमरा ऑफ करने का अनुरोध किया। लेकिन ये बात हमें बेहद आश्चर्य में डाल रही थी कि राहिला बानो आखिर चीज क्या है। क्या वो इतनी दबंग थी कि लोग उससे डरें? क्या लोग पुलिसिया कार्रवाई होने के बाद किसी पचड़े में ना पड़ने के लिए ऐसा बोल रहे थे? खैर, वजह कुछ भी हो, यह राहिला बानो का अंदाज और खौफ ही था जो लोगों को बोलने से रोक रहा था। वो राहिला जो मोहल्ले में किसी से मतलब नहीं रखती थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे मोहल्ले का हर वो व्यक्ति कर रहा था जिससे हमने पूछताछ की, पर और किसी मामले पर पूछने पर लोगों की जुबान पर ताले लग जाते थे। दरअसल राहिला बानो जब अपने मोहल्ले में होती थी तो वो किसी से भी बात नहीं करती थी। उसने जो ब्यूटी पार्लर खोला था वो शहर के बीचों बीच महेश्वरी देवी मंदिर के पास चंदेल मार्केट में था, जहां वो रोजाना सुबह ही अपने घर से निकलकर जाती थी। वो जब अपने घर से निकलती थी तो उसके चेहरे पर नकाब होता था ताकि उसे कोई देख ना सके। उसे इस बात की भी चिंता होती थी कि अगर ज्यादा मोहल्ले में बातचीत की तो बहुत सी बातें मोहल्ले वासियों को पता चलेंगी और वो ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। आखिर कोई व्यक्ति इतना भी असामाजिक नहीं होता कि जहां वह रहता है वहां किसी से कोई मतलब ना रखे। वो सिर्फ अपने घर पर रहना पसंद करती थी, वो घर जो उसके पूर्व पति से उसे मिला था। उसके पति के बारे में भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे, पर पहले राहिला के बारे में और भी राज को आपके लिए जानना जरूरी है। हम इसी वीडियो में यह भी बताएंगे कि कैसे वो लोगों को अपने हुस्न के जाल में फांसती थी, कैसे वो उनको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना लेती थी, और सबसे खास बात ये कि राहिला देखने में कैसी लगती थी, यानी उसके दीदार से जुड़ी दिलचस्प बातों को भी आप आगे जान पाएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए इस खबर में। आइए ले चलते हैं राहिला बानो के घर में, जहां बहुत कम लोग आते थे। वीडियो में आप जो घर देख रहे हैं वो राहिला बानो का ही है, जिसमें वो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष की रही होगी, और एक बेटा जो लगभग 12-13 साल का था। राहिला इन्हीं दोनों के साथ इसी मकान में रहती थी। अगर उसके घर कोई आता था तो वो ही व्यक्ति होता था जिसे राहिला बुलाती थी। दरअसल राहिला बानो अपनी खूबसूरती के जाल कई लोगों पर फेंक चुकी थी। उसका पहला शिकार कौन था ये तो बाद में सामने आएगा ही, क्योंकि पुलिस उससे लगातार पूछताछ का क्रम जारी किए हुए है। बांदा के एसपी अभिनंदन भी बताते हैं कि राहिला पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ कर मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक सराफा व्यवसायी की बॉडी हैंगिंग मिली थी उनके घर में, तो उस संबंध में बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया था और आगे की जो विधिक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की गई। इसी दौरान विवेचना एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ पुलिस को, जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया है कि एक महिला जो है वो उनको परेशान करती थी, उनसे पैसे लेती थी। इस चीज़ से तंग आकर उन्होंने सुसाइड करने का स्टेप उठाया है, तो उस आधार पर हम लोग ने महिला को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आगे पूछताछ जारी है
और आगे की जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन राहिला के इस घर में शैलेश जड़िया आते थे, क्योंकि अपने सुसाइड नोट में शैलेश जड़िया ने लिखा था कि राहिला ने उन्हें अपने घर बुलाकर खुद पीटा था और अपने साथी शादाब सिद्दीकी से भी पिटवाया था। उसके घर में एक फर्नीचर व्यापारी का भी आना जाना था, उसे भी राहिला ने फंसा रखा था। उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए राहिला ने उसे भी अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा रखा था। हमारे सूत्र के मुताबिक उसकी दुकान से राहिला ने तकरीबन 80,000 के फर्नीचर लेने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिया था। उसे तो वो बस अपने हुस्न के जलवे दिखाकर अपना दीवाना बनाए हुए थी, वो भी चाहकर कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा शहर के एक बड़े नामचीन अधिवक्ता के पुत्र को भी उसने अपने हुस्न के जाल में फंसाया था, और वो भी बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह उससे पीछा छुड़ा पाया था। शैलेश जड़िया की उस सुसाइड नोट में तो वो नाम लिखे हैं जिन्हें शैलेश जान गए थे। आखिर एक पीड़ित ही दूसरे पीड़ित की पीड़ा को समझ सकता है, इसीलिए शायद शैलेश उन लोगों के टच में थे, पर राहिला का नेक्सस यहीं तक ही नहीं था। उसका ये नेक्सस बांदा जनपद की सीमा भी पार कर चुका था। आसपास के कई जनपदों के लोगों तक उसके हुस्न का ये कातिलाना जाल फैल चुका था। बाना के ही कुछ नवयुवकों से बात हुई तो उन्होंने भी नाम न लेने की शर्त पर राहिला के किस्सों का बखान किया, पर वो दबंगई में राहिला से 4 हाथ आगे थे, लिहाजा राहिला के हुस्न से कत्ल होने से बच गए। पर हर कोई इतना दबंग नहीं होता कि आसानी से उसके जाल से निकल पाए। शैलेश भी नहीं निकल पाए थे, इसलिए वो फांसी पर झूल गए। हालांकि राहिला को भी इसका भान नहीं था, वरना वो शैलेश को इतना टॉर्चर न करती। वो तो बस उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझती थी, इसलिए शैलेश के एटीएम से, जिसका पासवर्ड राहिला और उसका साथी शादाब दोनों को मालूम था, उसे वो जैसे चाहे यूज करती थी। जब भी उसे रुपयों की आवश्यकता होती थी वो बेहिचक एटीएम से निकाल लेती थी। उसके लिए शैलेश एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से अधिक कुछ भी नहीं था। शैलेश ने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र भी किया था। बाना पुलिस के अधीक्षक अभिनंदन की माने तो पुलिस उसे कस्टडी में रखकर उसके जाल को खोलने का प्रयास कर रही है। जांच के बाद हो सकता है कि उसके और बड़े राज से पर्दाफाश हो सके, पर फिलहाल राहिला बानो के कारनामों की पूरे शहर में चर्चा है, हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है। एक बात और महत्वपूर्ण है जिस पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, और वो है राहिला का वो कातिल चेहरा जिसका दीदार बहुत ही कम लोगों ने किया है, लेकिन जिसने भी किया वो लट्टू हुए बिना नहीं रह सका। और राहिला इसी का फायदा उठाती थी। राहिला जानती थी कि एक बार जो उसके हुस्न के जाल में फंस गया तो वो आसानी से निकल नहीं सकता। फिर शुरू होता था राहिला और उसके साथी शादाब का वो खेल जिसके लिए वो पूरा जाल बिछाते थे। हनी ट्रैपिंग में फंसने के बाद कोई भी बेमर्जी अपनी दौलत राहिला पर लुटाने लगता था, और यही तो राहिला चाहती थी। राहिला की फोटो जिसने भी खींची राहिला ने उसे डिलीट करा दिया। तर्क ये कि उसे ज्यादा सोशल होना पसंद नहीं, और वो नहीं चाहती कि उसकी तस्वीरों का कोई गलत इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आज के दौर में फोटोशॉप करके किसी भी तस्वीर से आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। लोगों को उसके तर्कों में दम नजर आता था, लिहाजा वो भी बगैर कोई शक किए उसकी फोटो को डिलीट कर देते थे। अब ये राहिला का शातिराना दिमाग था, या आज के इस दौर में जहां महिलाओं को अपनी इज्जत जाने का डर सबसे ज्यादा होता है, ऐसे समय में जब कोई महिला इस प्रकार का तर्क दे तो लोग उसे सच ही समझते थे। पर राहिला उनकी सबकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा चालाक थी। चालाक शब्द से भी ज्यादा उपयुक्त होगा उसे शातिर और धूर्त कहा जाए। हुस्न की मल्लिका बनने के बाद उसका फायदा उठाते उठाते राहिला जरायम की दुनिया में कदम रख चुकी थी। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहिला बानो ने आज तक अपना कोई सोशल मीडिया में कोई भी अकाउंट नहीं बनाया था। अगर था तो सोशल मीडिया में सिर्फ इंस्टाग्राम में, और वो भी रोज ब्यूटी पार्लर के नाम पर, जहां फोटो थी लेकिन केवल क्लाइंट्स की।
राहिला की फोटो आप यहां ढूंढते ही रह जाएंगे। राहिला ने यहां ना तो अपने नाम का जिक्र किया था और ना ही कोई फोटो डाल रखी थी। राहिला के ब्यूटी पार्लर में जो लड़कियां काम करती थी उन्हें भी उसकी फोटो ना खींचने की सख्त हिदायत थी, इसलिए कोई भी उसकी फोटो नहीं खींचता था। यानी राहिला को मालूम था कि उसका मेन टारगेट ब्यूटी पार्लर वाला बिजनेस नहीं बल्कि वो बिजनेस है जो उसे कहीं ज्यादा पैसा दे सकता था, और इस बिजनेस में अपनी शक्ल को छुपाना ही सबसे उपयुक्त लगा था राहिला को। इसलिए ब्यूटीशियन जैसे पेशे में होने के बावजूद अपने हुस्न की आड़ में छिपे कातिलाना मंसूबों पर किसी की नजर नहीं पड़ने देना चाहती थी, लेकिन राहिला का वो कातिलाना हुस्न पुलिस की तेज नजरों के सामने बेपर्दा हो चुका है। पुलिस उससे अब वो राज निकलवाने का प्रयास कर रही है जो राहिला ने सबकी नजरों से छिपाकर अपने सीने में दबा कर रखे हैं। हनी ट्रैपिंग पर हम अभी और खुलासे पर खुलासे करते रहेंगे, इसलिए बने रहिएगा सिर्फ बुंदेलखंड न्यूज के साथ। तेज तो नहीं पर विश्वसनीय खबरों को यदि आप देखना और पढ़ना पसंद करते हैं तो बुंदेलखंड न्यूज का YouTube चैनल और Facebook पेज को सब्सक्राइब व फॉलो जरूर कर लीजिए। इससे आपको खबरों का लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। बुंदेलखंड की बाकी खबरें देखने के लिए हमारे डिजिटल चैनल bundelkhandnews.com पर जरूर जाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं।